हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, अभी ट्रेन में हैं, जा रहे हैं कोलकाता, और बहुत सुबह सुबह हम लोग निकले हैं, तो उतना सुबह सुबह वीडियो करना पॉसिबल नहीं था। अभी लगभग आधा रास्ता आ चुके हैं, जस्ट एक आध घंटा में हावड़ा पहुंच जाएंगे, और हावड़ा से एक डेढ़ घंटा टाइम लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? अच्छा हो ना बच्चा लोग? दो बार बोले यार, कॉफी बोले बच्चे लोग, कॉफी बोले बच्चा लोग, हेलो बच्चा लोग, कॉफी बोले चाय वाले, कॉफी वाला चाय वाला, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं हावड़ा। और ये येलो येलो कलर का टैक्सी देख के भाई लगता है कि हाँ आ गए हैं कोलकाता। और इस साइड में देखिए, यहाँ पे ना वो टैक्सी स्टैंड है इस साइड में, तो यहाँ पे टैक्सी के लिए लंबा लाइन होता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर उसके बाद टैक्सी मिलता है। तो देखिए, हावड़ा से एक डेढ़ घंटा लगेगा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है हावड़ा से, मतलब 20 मिनट का ही रास्ता है, लेकिन इतना ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक के वजह से एक डेढ़ घंटा लगेगा। एक घंटा के पहले तो पहुँचने वाले नहीं है। तो ये हावड़ा स्टेशन इस साइड में है टैक्सी स्टैंड, उस साइड में है बस स्टैंड। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू? बैठा हुआ है? बस्सा लोग की बस्सा लोग से गए, देखिए देखिए चौके की ले गए और टैक्सी स्टैंड में इतना लंबा लाइन पड़ता है, मिनिमम आपको आधा घंटा खड़ा रहना पड़ेगा तब जाके आपको टैक्सी मिलेगा। हाँ, लेकिन जेन्युइन आपको जो रेंट मिलता है टैक्सी का वो मिलता है, लेकिन अगर आप बाहर से बुक करते हो या तो फिर ओला उबर करते हो तो उसमें ज़्यादा पड़ता है। तो फिलहाल देखिए, टैक्सी में हम लोग चलने लगे हैं। ये हावड़ा स्टेशन है और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा मैं आप लोग के लिए कैप्चर किए हूँ ताकि आप लोग देख पाओ, और अभी इंजॉय करो, फिर गंगा होते ही हम लोग जाएंगे। घर पहुंचने के बाद हम लोग नहा लिए हैं, और घर पहुंचते पहुंचते डेढ़ बज चुका था, और अभी हम लोग कर रहे हैं लंच, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा लंच हो रहा है, मटन बिरयानी, मुझे जो बहुत पसंद है। और जिस दुकान का मटन बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, उसी दुकान का ही मटन बिरयानी लेके आए हैं मेरे अब्बा। तो देखिए,
कोलकाता का फेमस दुकान जो है अरसलन, जो लोग कोलकाता में रहते हैं उन लोग को पता होगा, और आप लोग भी आइए खा लीजिए, झूठा हो गया है। तो ये वीडियो बना रहे हैं आरुष, और कोको कोला भी है साथ में। तो जस्ट हम और रूही कर रहे हैं, अभी बाबू खा लिया है पहले ही। और शाम के टाइम हो गया है और हम लोग निकले हैं घूमने। तो जी हाँ, हम लोग आए हैं धर्मतल्ला मतलब एस्प्लैनेड, और बाबू को घर में रख के आए हैं। हम और रूही आए हैं क्योंकि देखिए कल का दिन रहेंगे, फिर परसों चले जाएंगे, तो इसीलिए सोचे चलो घूम लेते हैं। तो कोलकाता आते हैं धर्मतल्ला ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। बहुत ही अच्छा जगह है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है, वो भी रिजनेबल प्राइस में। तो इसके ऊपर मैंने दो वीडियो बना के रखा है, आप लोग के साथ शेयर भी किया है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर देखना। और मुझे चाहिए था एक ब्लू कलर का दुपट्टा, तो इसीलिए देख रहे थे दुपट्टा। देखिए यहाँ पे दुपट्टा का कलेक्शन बहुत ही था, और ब्लू कलर में ही चाहिए था, तो इसीलिए मैं ब्लू कलर का ही दुपट्टा देख रही थी। और पता है ये इस प्लैनेट का वीडियो में आज फुल वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि देखिए घूमना फिरना खाना पीना यही सब हुआ। काका के दिए देबे एकटू और मालेटा के मोटी जेती बच्ची ना दे, तू थाक ना, हमें बोलम जे तू थाक, हमार शरीर सही नहीं। तो लोमू बोले हम तो मालेटा या की की बोल साला गरम गरम है ना आज भी के और इस फ्रूट वाला भैया से हम लोग लिए हैं अमरूद। तो ये कासुंदी अमरूद है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन देखिए इसमें कासुंदी ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो जिस वजह से तीता टेस्ट आ रहा था, क्योंकि देखिए कासुंदी का टेस्ट थोड़ा सा तीता जैसा होता है। और लेकिन अमरूद के साथ मसालों के साथ मिला के, कासुंदी मिला के जो अमरूद बनता है मसाला अमरूद, वो खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन ज़्यादा कासुंदी दे दिया था जिस वजह से तीता टेस्ट आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और कोलकाता में मसाला अमरूद बहुत फेमस है और मैं हमेशा खाती रहती हूँ। बहुत टेस्टी बना है ना, ना। इसमें देखिए जो है ना कासुंदी थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान जैसे लग रहा है, अच्छा बना है बट कासुंदी थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। शर्म ही कोई नहीं मारी बात सुन, ये धनी मोहन अरे सुन तो शरीर और आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो करीबन 10:30 का टाइम हो रहा है। और ये देखिए मेरे अबू जा रहे हैं ऑफिस, तो आज इनका लास्ट ऑफिस है, मतलब रिटायर्ड है आज इनका, तो इसीलिए मैं कोलकाता आई हूँ ताकि उनको अच्छा लगे, क्योंकि देखिए 30-40 साल जॉब करते हैं फिर अचानक सा, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, तो ये दिन बहुत ही पेनफुल होता है सभी के लिए, जो लोग जॉब करते हैं उन लोग का बात बोल रही हूँ। तो जॉब करते हैं फिर जॉब लाइफ से अचानक सा बैठ जाते हैं, तो थोड़ा सा पेनफुल होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि देखिए मैं बहुत लोगों को देखी हूँ कि रिटायर्ड के दिन में रो पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और ऐसा होना नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो मुझे भी इस बात का डर था, इसीलिए मैं रूही को बोली चलो कोलकाता होके आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, खुशी खुशी मेरे अबू गए हैं, खुशी खुशी आए, चलो अल्लाह के करम से सब कुछ ठीक ठाक ही है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है।
शाम के टाइम बहुत खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात ये ना, सिटी सेंटर में जो मेट्रो है ना, वहाँ पे आप लोग को नहीं पता होगा, जो लोग कोलकाता में रहते हैं उन लोग को पता होगा, मेट्रो स्टार्ट हो गया ना, मेट्रो चलना स्टार्ट हो गया है। सिटी सेंटर 1 का बात बोल रही हूँ मैं। बहुत ही यहाँ का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। एक बार बैक कैमरा से आप लोग को दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कैसे आप जा पा रहे हो, कैसे आप घूम रहे हो। तो जी हाँ, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं अभी मायका में हूँ और फ़िलहाल सेफ हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो ये ब्लॉग पहले का है, करीबन एक महीना पहले का है। तो ये वीडियो शूट किया हुआ था, कुछ काम के वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो जस्ट अभी एडिट करके मैं पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो इससे पहले भी मैं बताई थी लेकिन आप लोग स्किप करके देखते हो इसीलिए आप लोग को पता नहीं चलता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।